फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी प्रणका जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, सबकी भारी रिक्वेस्ट वाली वीडियो है। आप खुद सब लोग जान गए होंगे टाइटल देखकर कि आज की वीडियो है बचत के बारे में छोटे छोटे टिप्स। देखिए, बचत के मैं जितने टिप्स हो सकते थे ना, मैं आप सबको वो सारे टिप्स दे चुकी हूँ। सारे बजट बनाना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कोई भी डेली अपनी लाइफ जो शेयर करता है, वो ब्लॉगर इतने बचत के टिप्स आप लोगों को नहीं दिए होंगे जितने कि मैंने आप लोगों को बचत के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। और इतनी वीडियोज़ मैंने बनाई, उनको देख कर बहुत से लोगों ने खूब सारी बचत की है। फीडबैक भी मुझे अच्छे अच्छे दिए हैं कि आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो, बचत करने के लिए मोटिवेट करते हो। तो मैंने सोचा, चलो वैसे तो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बट अगर कोई मेरी बातों से मोटिवेट होता है तो क्यों ना उसे मोटिवेट कर दे रहा, और बीच बीच में मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो चलो आज मैं बचत के लिए आपको मोटिवेट करूँगी। तो वैसे तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बता चुकी हूँ, उन्हें ज़रूरत है उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करने के। कुछ लोग अप्लाई करते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। तो आज फिर से मैं कुछ, देखो बचत के कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, तो वो अप्लाई करके बस बचत करना होता है, वो हमारे ऊपर होता है। बट फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि देखिए, जब भी हमें बचत करनी होती है, मैं पहले भी कुछ पिछली वीडियोज़ में एक दो साल पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि बचत जब करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है। बचत जब हमें करनी है तो हमें एक अपने आप को रीज़न देना है, ठीक है? और वो रीज़न वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी छोटा सा ऐसा कोई रीज़न दे लिया। देखो, रीज़न ऐसा होना चाहिए कि या तो हमें कोई घर खरीदना है ना, या हमें गाड़ी खरीदनी है, या बच्चे के भविष्य के लिए इकट्ठा करना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हों, वो जो ज़रूरी चीज़ें हों, वो रीज़न हम अगर देंगे ना अपनी बचत को, तो हम बचत कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बचत करना तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ हम सोचते हैं कि चलो इस महीने छोड़ देते हैं, नेक्स्ट मंथ हम डाल देंगे। एक महीने डाला, एक महीने नहीं डाला, और जैसे ही एक महीने की छूट हुई, फिर अगले महीने के लिए हम नहीं डालने के लिए मोटिवेट होते हैं। डालने के लिए नहीं, गुल्लक में नहीं डालने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा मोटिवेशन हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक वैलिड, एक अच्छा सा रीज़न दो अपने आप को कि हमें घर बनाना है, या हमें गाड़ी लेनी है, या हमें ये करना है, या बच्चे के फ्यूचर के लिए ऐसा करना है। तो जब वो ऐसा रीज़न आपको देंगे ना, तो वो रीज़न आपको मोटिवेशन देगा, अंदर से मोटिवेशन देता है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, ठीक है? तो अपने आप को सबसे पहले क्या है कि एक रीज़न दीजिए बचत करने का। तो सेकंड मैं ये कहूँगी कि जब भी आप बचत करने के लिए, आपको एक रीज़न मिल गया, ठीक है, पहला तो आपने रीज़न ले लिया। अब रीज़न मिलने के बाद जब आप बचत करने जा रहे होंगे, इन सब चीज़ों में अपने फैमिली मेम्बर्स जो है ना, उन्हें शामिल कीजिएगा, ठीक है? सबको बताइएगा कि ये बचत हम इसलिए करने जा रहे हैं, और जो लक्ष्य आप बताएंगे कि मुझे बचत करनी है और इतने तक बचत मुझे करनी है, तो उन सब में फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना, उन्हें सब कुछ बताना, और उन्हें ये कहना जब भी मैं अपनी राह से डगमगाऊं तो मुझे टोकना। आपके बच्चों को भी ये चीज़ बताना और आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ बताना। और इससे होगा क्या, सारे फैमिली मेंबर मिलके बचत करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे होंगे तो वो भी बचत के लिए वो होगा, मोटिवेट होगा। आपके हस्बैंड जो डेली के खर्चे करते होंगे, उन्हें भी अगर आप शामिल करेंगे तो वो भी बचत के लिए मोटिवेट होंगे, है ना? तो क्या करना है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को बैठ के डिसीजन लेना है, एक गोल बनाना है और उस राह पे चलना है। और जो भी फैमिली मेम्बर डिग रहा होगा, उस राह से डगमगा रहा होगा, तो अगर आपने कोई फिजूल खर्ची करने को जा रही है तो आपके बच्चे आपको रोकेंगे, ठीक है? और अगर आपके बच्चे कोई फिजूल खर्ची करने को जा रहे होंगे तो आप उन्हें रोकें, आपके हस्बैंड कोई फिजूल खर्ची करने जा रहे होंगे तो आप उन्हें रोकें, या आप कोई फिजूल खर्ची करने जा रहे होंगे तो आपके हस्बैंड आपको रोकेंगे। मैं क्या करती हूँ, कोई भी अगर जब कोई मैं लक्ष्य बनाती हूँ ना किसी भी चीज़ का, तो मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को मैं ये बोलती हूँ कि जब भी मैं अपनी राह से डगमगाऊँ ना, कि मैं कोई गलती करने जा रही हूँ, तो मुझे रोक देना कि मम्मी या प्राची, तुम ऐसा मत करो, और मुझे वो चीज़, मेरा लक्ष्य याद दिला देना। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, कि अगर आप कोई गलती करने के लिए एक कदम भी उठाएंगे ना, तो वो कदम आप अपना पीछे ले लेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स की याद दिलाने पे, ठीक है? तो ये मेरा एक मानना है। तो हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा, जब सब मिलके ये चीज़ करेंगे ना, तो बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी
आप बचत करेंगे, तब क्या करेंगे, जैसे ही आपकी सैलरी आई वैसे ही बचत जो है वो बचत का जो जितना भी आपने सोच रखा है वो पहले निकाल लीजिए, 10% निकालिए, चाहे जिसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो तो 20% निकालिए, जितनी भी सैलरी हो। मैं ये नहीं कहती कि ये सैलरी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, जितनी भी सैलरी आ रही है उसमें से 10% एक बार आप बचत के लिए निकाल लीजिए, भगवान के सामने आप रख दीजिए वो पैसा 10% बचा के। कहते ना, मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा, बचत को भगवान के भोग के जैसे निकालना चाहिए, जूठन के जैसे नहीं। जैसे कि हम जब खाना वाना बना लेते हैं तब हम सबसे पहले भगवान का भोग निकालते हैं ना, कि भाई बाद में वो जूठन हो जाएगा या कोई चीज़ बच, सबके खाने के बाद वो चीज़ कोई बची या ना बची, वैसे ही बचत को भगवान का भोग समझिए, जूठन के जैसे। पूरा खर्चा करने के बाद बचत नहीं करनी है, ऐसे अगर किया जाएगा बचत तो कभी बचत नहीं होगी, पैसा ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। तो सबसे पहले आपको बचत भगवान के भोग जैसे निकालनी लेनी है, और भगवान के सामने आप कोई भी चीज़ करेंगे ना तो वो होके ही रहेगी। जैसे कि मैं कोई भी छोटी भी सी भी चीज़ कर लेती हूँ ना, कि जैसे मैंने डाइटिंग के लिए भी बोला, लेकिन अगर मैं भगवान के सामने ना बोलूँ ना तो मैं चीटिंग कर जाती हूँ, लेकिन जब मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान मैं अब ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग करूंगी, तो मैं कर जाती हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी सैलरी आएगी आपकी या आपके हस्बैंड की, वो उसमें से 10% आप निकाल के भगवान को के सामने जाइए, भगवान ये मेरी बचत है, इसे और बढ़ाना, मैं अच्छे से करती जाऊँ, और उस पैसे को गुल्लक में डाल देना। चौथी बात एक और मैं बताती हूँ, जब भी आप बचत करेंगे तो आप बचत गुल्लक में कीजिए, इस तरीके की जो मिट्टी की गुल्लक होती है ना उसमें आप बचत कीजिए। क्यों मैं बताती हूँ, इस गुल्लक में पैसा डालने का रास्ता तो है बट निकालने का रास्ता नहीं है। अगर आप पिगी बैंक लेंगे, जो कि मार्केट में मिलते हैं पिगी बैंक, और कई तरीके के पिगी बैंक मिलते हैं, ठीक है, उनमें डालने का रास्ता भी होता है और निकालने का भी रास्ता होता है। तो कई बार जब हम डीमोटिवेट होंगे या हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम उस पिगी बैंक का खोलेंगे और वो निकाल भी लेंगे, लेकिन इसमें खोलने का ज़रा भी रास्ता नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए ही चाहिए तो इस गुल्लक को तोड़ना ही पड़ेगा, तो तोड़ने पे हमारा दिल दुखेगा और यूँ लगेगा कि यार नहीं, चलो कहीं से भी हम मैनेज कर लेंगे, बहुत ज़रूरी हो तब तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए जब भी आप बचत करें तो इस तरीके की गुल्लक में बचत करें, पिगी बैंक में ना करें। डेली के जो खर्चे हैं ना आपके, उनकी आप लिस्ट बनाइए, उन्हें कॉपी में लिखना, डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डेली के खर्चों को अगर आप लिखेंगे ना तो आपको उससे पता क्या चल जाएगा कि कहाँ आप फिजूल खर्ची करें, क्या ज़रूरी खर्चा और क्या ऐसा खर्चा है कि जिसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आप 7 दिन भी नहीं, 1, 2 या 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आप ज़रूरी कर रहे हैं और क्या अननेसेसरी कर रहे हैं। तो हर चीज़ की छोटी से छोटी कोई भी चीज़ लेना, उसको लिखिए कि हमने आज के दिन में इतना इतना ये खर्चा किया। इससे पता चलेगा कि आप कहाँ अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं, तो उस अननेसेसरी खर्चे को कट कर दीजिए, ठीक है। और कट नहीं कर सकते हैं, मान लिया आप कट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार शुरुआत छोटी चीज़ से कीजिए, है ना, उसे कम कर दीजिए उस खर्चे को। कई आदतें होती हैं हमारी यार, कई लोगों की कई आदतें होती हैं, तो उन आदतों में कुछ अननेसेसरी आदतें भी होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब होती है। तो उनको एकदम से आप कट नहीं कर पा रहे तो आप उसे कम कर दीजिए, है ना, तो ज़रूर से आपकी बचत जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर जो है आप डेली के बचत कीजिए, आप पैसे नहीं कर पा रहे, कैसे भी नहीं कर पा रहे, आप एक डेली बचत कीजिए, ठीक है। डेली में आपके पास जो भी कॉइन बचता है, 1 का 2 का 5 का 10 का, वो कॉइन आप इस तरीके की गुल्लक में रख दीजिए, मतलब डाल दीजिए। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना तो उनको भी उसमें शामिल कीजिए। डेली का देखो हर कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है, होता है ना, तो उस खर्चे में से जो भी कुछ चिल्लर बची है ना वो आके इसमें डाल दी। आपके बच्चों को आप पॉकेट मनी देते, उन्होंने कुछ खर्च किया और उस डेली में से कुछ 5 का 10 का सिक्का बचा, वो इसमें उन्होंने डाल दी। आपके हस्बैंड ऑफिस गए, कुछ खर्चा हुआ उनका, या कुछ लेके आए, दूध लाए, सब्जी लाए, कुछ भी लाए, तो उसमें से कोई छुट्टा पैसा बच गया, कोई कॉइन बच गया, तो वो इसमें डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कॉइन हमारे इधर उधर हम रख देते हैं, 1, 2, 5 ये इधर उधर घूमते रहते हैं कॉइन, लेकिन उनका भी महत्व है, बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ बचत वाले में, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही खाली हो जाता है फिर। तो ये 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का जो सिक्का है या 10
10 का सिक्का, इनका भी बड़ा ही महत्व है। एक बार हमको लगता है यार क्या 5 के सिक्के से या 10 के सिक्के से क्या बचत हो जाएगी, लेकिन जब साल के एंड में जाकर आप इस गुल्लक को देखेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको आपकी जो यही छोटी छोटी बचत है ना, वो बड़ी बचत बन के निकलेगी। तो ज़रूर से जितने भी छोटे छोटे छुट्टा पैसा है वो डेली में बचत करें, हर दिन आज कल परसों तरसों सब है ना, तो जो भी बच रहा है आपके खर्चे में से, जो भी छुट्टा पैसा, वो गुल्लक में डलवाइए, इधर उधर उनको मत घूमने दीजिए। मैंने आपको बताया था कि सेविंग के गोल बनाइए, कोई लक्ष्य बनाइए, और उस सेविंग गोल को ना हर महीने बढ़ाते जाइए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी बड़ी सेविंग करनी है या अपने लक्ष्य को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाना है, नहीं। जैसे कि आपने इस महीने आपका गोल है कि मुझे 1,000 बचाना है, मैं छोटी से छोटी रकम से लूंगी, क्योंकि हर किसी के पास बड़ी से बड़ी रकम नहीं होती है। तो आज के महीने में, इस महीने हमने सोचा कि हमें 1,000 बचाना है, ठीक है, हमने 1,000 बचा लिया। अब जब वो 1,000 बच जाएगा ना, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे कि उस सेविंग गोल को बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं कह रही, मैं छोटा छोटा कह रही। जैसे आज के महीने में 1,000 बचा, तो नेक्स्ट मंथ आप अपना गोल या तो 1,050 का या 1,100 का बना लीजिए, ठीक है। फिर आपका दूसरे महीने भी ये गोल पूरा हो गया, तो थर्ड मंथ आप थोड़ा सा और 50 रुपये बढ़ा लीजिए या 100 रुपये बढ़ा लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप उस गोल के पास पहुंचेंगे ना, आप उस लक्ष्य को पा लेंगे ना, तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी कि हाँ यार, हम तो बचत कर पा रहे हैं, हमें और गोल बढ़ाना चाहिए। ऐसे करते करते आप काफी पैसा जो है ना वो बचा लेंगे, आपके कुछ जो खर्चे होंगे ना उनमें से कमी करके या कैसे भी करके आप उस गोल को, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश जो है वो कर लेंगे। तो एक रीज़न क्या होता है हमारे बचत ना कर पाने का, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई चीज़ों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पड़ोसी के घर में कुछ देख लिया, या पड़ोसन को कोई ड्रेस पहने हुए देख लिया, या किसी के घर में कोई चीज़ देख ली, तो ऐसा लगता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार इसके घर में हमारे पास भी होना चाहिए, और हम जो है फिर अननेसेसरी बाइंग करने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ से हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, ना ही किसी ऑनलाइन ऑफर से हमें अट्रैक्ट होना है। एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, यही होता है कि फ़ोन में कुछ ऐप्स होती हैं, हम मीशो हुआ या कोई भी ऐप हुई, अमेज़न हुई या फ्लिपकार्ट हुई, कोई भी जो ऐप है, मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियो में बताया था कि मैं कोई भी तरीके की ऐप नहीं रखती हूँ। जब मुझे शॉपिंग करनी होती ना, तब मैं जाके जरूर से देख लेती हूँ, बाकी मेरे फ़ोन पे कोई ऐप ना, फूड ऐप मिलेगी आपको, ना ही कुछ कोई भी किसी भी तरीके की ऐप मिलेगी, ये जोमेटो और कोई भी ऐप मैं अपने मोबाइल में नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे कई ऑफर भी मिलते हैं, बाहर भी जाएंगे, कोई सेल वेल चल रही है या कोई इन ऐप्स में भी देखेंगे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 90% ऑफ, होता क्या है कि ऑफ तो दे देते हैं, कई बार तो अच्छी होते हैं उनके जो ऑफर होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ना, उसके बाद इतना परसेंट ऑफ दे दिया जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइस तो उतना कि उतना रहा ना। तो हमें इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होता है, ना ही अपने कज़न सिस्टर से अट्रैक्ट होना है, ना ही अपने पड़ोसी से, ना ही अपने भाई से, ना ही अपने बंधु से, ये इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होके हमारा मन क्या होता है, मन पर हमारा काबू नहीं रह पाता है, और हम क्या है कि अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। तो किसी की भी लाइफ से अट्रैक्ट नहीं होना है, सादा जीवन रखोगे, सादा सिंपल सा, तो आपकी बचत होती रहेगी, संतुष्ट हर चीज़ से हो जाओगे, तो आपकी जो बचत है, बचत करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमने अगर अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर किया, तो हम कभी भी बचत नहीं कर पाएंगे। उन दूसरों की लाइफ से, दूसरों की चीज़ों से हम अट्रैक्ट हुए, तो हम कभी भी बचत नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी ऑफर से, किसी भी, किसी के भी ड्रेस से, किसी भी चीज़ से हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना ही लेना है। फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि कई बार कोई चीज़ें सस्ती मिल रही होती है, जैसे कि सब्जी है, ठीक है, आप हो घर में सिर्फ 2 बंदे या 3 बंदे और सब्जी मिल रही है बहुत सस्ती, कि 10 रुपये की किलो, 10 रुपये की ये, 20 रुपये की ये, 30 रुपये की ये। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम, चलो इतने सस्ते में इतनी सारी चीज़ मिल रही है तो ले आते हैं, ठीक है, तो ले आए, उसके बाद आपके 2 जनों में वो यूज़ ही नहीं आ रही है, उसकी खपत ही नहीं हो रही है, तो फिर आधी तो हम यूज़ ले लेते हैं लेकिन आधी हमारी सड़ जाती है, तो वो क्या हुआ, एक फिजूल खर्ची हुई ना, जिससे कि 1 किलो क्यों लेना, अगर 20 रुपये किलो भी कोई चीज़ मिल रही है तो आप आधा किलो ही लीजिए। तो यहाँ इसी तरीके से, ऐसे करके ही छोटी 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 बचत जो है हम कर सकते हैं। तो आज की जो बचत टिप्स थी, उनमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है। देखो, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो
अगर आप बीमार पड़ेंगे, आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, अगर आप बीमार पड़े और हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते ही ऐसे चुटकियों में ऐसे आपके 2-3 हज़ार ऐसे निकल जाएंगे, है ना। तो जो 2-3 हज़ार के हम बचत कर सकते थे वो बचत हमारी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा अपनी बॉडी का बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखें ताकि हमें हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, है ना। वैसे तो कोई कुछ होता है तो हमें जाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है तो, बट अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखिए, अपने आप का इतना ध्यान रखिए कि आपको हर महीने हॉस्पिटल ना जाना पड़े। क्योंकि जैसे ही जाते 1,000-500,000 का तो पता आजकल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही चला जाता है। तो हम अपनी बचत में हेल्थ का भी बहुत बहुत ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज की बचत टिप्स आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से दबा दीजिएगा क्योंकि तभी तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।